यदि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं? आपको पता है आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षर लेखन का एक नया भाग। तो चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करें। अपने पिछले वीडियो में हमने जिन अक्षरों को लिखना सीखा वे अक्षर हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। आज हम इन अक्षरों के आगे वाले वर्ग को लिखना सीखेंगे। ट वर्ग के आगे जो वर्ग आता है वो वर्ग है त वर्ग। इनके अक्षरों को लिखने के लिए हम उसी सेम पैटर्न का फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने तीन लाइनों का पैटर्न बना लिया और उसके बाद मैं दो लाइनों का पैटर्न बनाऊंगी। चलिए अब हम त वर्ग के अक्षरों को लिखना शुरू करें। इस वर्ग का सबसे पहला अक्षर है त। त अक्षर को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। उस स्टैंडिंग लाइन के बिल्कुल बीचों बीच यानी मिडिल में एक मुड़ी हुई पूंछ जैसा डिजाइन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी के हर एक अक्षर को कवर करना जरूरी होता है, तो मैंने इस अक्षर को भी कवर कर दिया और त हमारा बनकर तैयार हो गया। आइए अब हम सीखें कि त के बाद वाला अक्षर थ कैसे बनाते हैं। थ को लिखने के लिए हम सबसे पहले उल्टे सी जैसा शेप बना लेते हैं। अब उसी से अटैच करते हुए हम एक कर्व यानी एक आधे चांद जैसा शेप बनाते हैं। उसके बाद इसको हम सीधी लाइन के साथ जोड़ देंगे। थ को लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि थ में इस गोले का होना बहुत जरूरी है। और फाइनली थ को हम ऊपर से कवर कर देते हैं। तो देखा आपने, हमारा थ कितने ही इजी स्टेप्स में बनकर तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले अक्षर की ओर जो है द। द को देखते ही आपको पिछली वीडियो में दिखाए गए दो अक्षरों की याद जरूर आएगी। पहला अक्षर है ट और दूसरा अक्षर है ढ। द को लिखने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी लाइन खींचते हैं, उसके बाद एक बड़े से सी जैसा शेप बनाकर उसमें छोटा सा गोल नीचे की ओर बनाते हुए उसकी पूंछ बाहर निकाल देते हैं। और फाइनली द अक्षर को हम ऊपर से कवर कर देते हैं। तो देखा आपने, द भी कितनी इजीली हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए चलते हैं अपने अगले अक्षर की ओर जो है अक्षर ध। ये अक्षर ध
काफी हद तक अक्षर घ जैसा दिखाई देता है। अगर आप अक्षर घ को लिखना सीखना चाहते हैं तो इस दिए हुए आई बटन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए सबसे पहले हम अक्षर घ बना लेते हैं। अक्षर घ को बनाने के लिए हम दो आधे सी जैसा आकार बनाएंगे, जिसके निचले हिस्से को थोड़ी ऊपर की ओर घुमा देंगे और उस हिस्से को हम एक सीधी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थ और ध में इस गोले का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ध को घ से अलग करने के लिए इसमें एक गोला बना देते हैं। तो देखा आपने, हमारा ध भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन याद रखें, इस ध को हम पूरा कवर नहीं करते हैं। अब आते हैं इस वर्ग के आखिरी अक्षर की ओर, जो है अक्षर न। न को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। उस लाइन के बीचों बीच से एक स्लीपिंग लाइन बनाते हुए उसको आगे एक गोले के शेप में मोड़ देते हैं। देखिए जैसा मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, और सबसे अंत में न को ऊपर से कवर कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको इस न में गोले के जगह पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा, तो आप परेशान न हो, दोनों ही न सही हैं। चलिए एक बार फिर से इन सभी अक्षरों को इन दो लाइनों के बीच में लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फटाफट से अपनी नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ये बन गया अक्षर त। ये बन गया अक्षर थ। ये है अक्षर द। ये है अक्षर ध, और सबसे अंत में ये है अक्षर न। तो आपने देखा कितना आसान है इन अक्षरों को लिखना। चलिए अब फटाफट से हम एक बार इन अक्षरों को एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार हम तीन लाइनों के कॉलम में प्रैक्टिस करेंगे और दूसरी बार हम दो लाइनों के कॉलम में प्रैक्टिस करेंगे।
आइए अब हम अपने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लें। और पिछले वीडियो में हमारा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई कितना भी खा ले लेकिन उसका पेट नहीं भर सकता है। क्या आपने इसका सही उत्तर सोचा था? आइए देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारे पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न के लिए हमारे पास दो उत्तर उपलब्ध हैं, जिनमें से हमारा पहला उत्तर है कसम means promise और दूसरा उत्तर है हवा। तो आप सभी ने इनमें से यदि कोई भी उत्तर दिया है तो हम उस लकी सब्सक्राइबर का नाम अपने वीडियो में जरूर काउंट करेंगे। तो चलिए देखें किन लोगों ने हमें सही उत्तर दिए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि हमारे लकी सब्सक्राइबर्स कौन कौन से हैं और हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे लकी सब्सक्राइबर्स हैं प्रो गेमिंग, हितांशी कश्यप, खुशी गोंडालिया, प्रकाश कुमार नीनामा और कुसुम लता भट्ट। आप सभी को एबल एजुकेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आगे भी हमारे साथ आप यूं ही बने रहें। हर बार की तरह इस बार भी हमारे वीडियो में है एक मजेदार प्रश्न और इस बार का हमारा मजेदार प्रश्न है, बिना पैर के भागा जाए लौट के वापस कभी ना आए। सोचिए सोचिए क्या आपको इसका सही उत्तर पता है? अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही उत्तर देने वाले लकी सब्सक्राइबर का नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। उम्मीद है अभी तक आपने इस वीडियो की हेल्प से हिंदी वर्णमाला के कई अक्षरों को लिखना सीख लिया होगा। इस वीडियो के लिए अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।